आज सुबह से ही बारिश लगी है, रात से ही बारिश लगी है और मुझे लगता है कि कमल का फूल खिलाने के लिए एक तरह की ये शुरुआत है। जब थोड़ा कीचड़ भी हो जाता है, बारिश भी होती है, तो कमल खिलने की संभावनाएं और ज्यादा प्रबल हो जाती है। निश्चित रूप से हमारे लिए भाई नरेंद्र ठाकुर जी ने आप सबके बीच में कहा कि बड़ी अजीब सी स्थिति है। अजीब सी स्थिति इसलिए है कि कुछ दिन पहले ही तो वोट मांगे थे और कुछ दिन पहले ही तो वोट डाले थे, अब फिर वोट मांगने का काम शुरू हो गया, फिर वोट डालने की बात कहने हम आए हैं आपसे। और मुझे लगता कि पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई कि आचार संहिता लगभग 4 महीने की हो गई, और वीरपुर वालों के लिए तो 4 महीने की आचार संहिता हो गई। लेकिन दौर आया, इस दौर से भी पार होंगे। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी बार बार हर जगह कह रहे हैं कि ये चुनाव हमारी वजह से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहे हैं। आप जो मर्जी कह सकते हैं, लोकतंत्र है, जो आपको कहना है आप कहें, लेकिन जब आप कहेंगे तो हमको भी कुछ कहना है, क्योंकि लोकतंत्र में हमें भी अपनी बात कहने का अधिकार है। बहुत बड़े बहुमत से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जो बनता है उनका दायित्व तो होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है प्रदेश का विकास करें, चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान के साथ उनको उनके क्षेत्र के विकास की चिंता करें। लेकिन यहां हालात बिल्कुल अलग हुए, विकास कार्य को बंद करने की रिवायत हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुई, जब 1000 संस्थान खुले हुए चले हुए संस्थान जो है कई महीनों से चले हुए थे वो बंद कर दिए। जब हमने उनसे पूछा, भाई मैंने कहा सुखू भाई जी बाकी तो ठीक है, ये बंद करने वाला काम क्या चलाया हुआ आपने? एक बात उनके ये कहने की बात थी कि आपने इतने संस्थान खोल दिए लेकिन इतने संस्थान खोलने के बावजूद भी आप सरकार नहीं बना पाए, इसका मतलब ये संस्थानों की जरूरत लोगों को नहीं है। मैंने कहा मेरी सरकार बनी नहीं बनी इस बात को इससे नहीं जोड़ना चाहिए, ये संस्थान अगर खोले हैं ये लोगों के कहने पर खोले हैं, लोगों की जरूरत के मुताबिक खोले हैं, जनप्रतिनिधियों के मांग पर खोले हुए। चुनाव हारना जीतना चला रहना है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस तरह से बदले की भावना के साथ काम करने की शुरुआत आज से पहले कभी नहीं हमने देखा। बड़े बड़े नेता लड़ते थे, लड़ाई लड़ते थे, लेकिन ऐसी दुर्भावना के साथ काम करते नहीं देखा मैंने। अफसोस हुआ, सच कह रहा हूं, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि जैसी पृष्ठभूमि से हम आए थे, ना मेरे परिवार में राजनीति में पहले था, राजनीति में ना आज है कोई और शायद आने वाले समय में भी नहीं, और हमें ऐसा लगा कि सुखू भाई जी भी ऐसे ही पृष्ठभूमि से आए हैं, ये प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। लेकिन सचमुच में मेरी सोच जो है वो गलत निकली, मेरी कल्पना गलत निकली।
जनप्रतिनिधि जो विधायक जिनके बलबूते सरकार बनती है, सरकार चलती है, जब उनसे सुनने को मिलने लगा कि हम काम के लिए मिल रहे हैं, काम नहीं हो पा रहे हैं, हम समय मांग रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, कागज देते हैं वो कागज मिलते नहीं हैं, और ऐसे हालात में नाराजगी का दौर कांग्रेस पार्टी के अंदर बढ़ता गया। और हिमाचल प्रदेश में ये हमने पहली बार देखा कि 14 महीने के छोटे से कार्यकाल में 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस से नाराज होकर के अलग होने का मन बना गए। 3 आजाद विधायक जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे थे, आपके यहां से भी आशीष शर्मा जी आजाद विधायक की हैसियत से थे, वो भी कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे, लेकिन इस उम्मीद में समर्थन दे रहे थे कि शायद काम करेंगे, भला करेंगे, और इनको तो शायद ये भी लगा कि जिले के मुख्यमंत्री हैं, कुछ ज्यादा काम होगा। लेकिन 14 महीने बीत गए, ना समय देते थे, ना काम करते थे, और ऐसे हालात में नाराजगी का आलम इस कदर बढ़ गया कि जब राज्यसभा की एक सीट का चुनाव हो गया तो राज्यसभा की उस सीट के लिए वोट पड़ने थे, कांग्रेस के 6 विधायकों ने वोट चोरी छुपे नहीं दिया, दिखा करके दिया कि हम आपसे नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को अपना वोट दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि आपने 6 महीने नहीं, 12 महीने नहीं, 14 महीने तक हमको जलील किया, 6-6 घंटे हम बैठे रहे बाहर, मिलने का समय नहीं दिया। जो विकास कार्य हम अपने क्षेत्र से लेकर के आपके पास जाते थे वो काम आपने करने के लिए मना कर दिया, और इसलिए हम ये गुस्से के तौर पर, नाराजगी के तौर पर हम ये करने जा रहे हैं। और 3 निर्दलीय विधायकों ने भी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के कैंडिडेट को समर्थन दे करके अपना सहयोग दिया। और भाई और बहनों, ये पहली बार हिमाचल में ऐसा हुआ, प्रचंड बहुमत कांग्रेस का होने के बावजूद भी कांग्रेस के राज्यसभा की सीट पर हार हुई और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। और होना तो ये चाहिए था कि जब बहुमत आपके हाथ से निकल गया, नैतिकता तो यह बनती है कि त्याग पत्र देना चाहिए था। और मैं इस बात को कहता हूं कि अगर मैं सुक्खू जी की जगह होता, मैं उसी वक्त त्याग पत्र देता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जब बहुमत किसी नेता के साथ नहीं है तो सत्ता में रहने का कोई अर्थ नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता था। अब इस बात को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भाजपा वालों ने किया, ये निर्दलीय विधायकों ने किया, ये इसने किया, उसने किया। मैं कह सकता हूं इसके लिए अगर कोई दोषी है तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोषी है, क्योंकि जिम्मेवारी उनके बनती थी सभी विधायकों को साथ लेकर के चले। विधायक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, उनकी बात को सुने, उनकी बात को सुनने के बाद उनके जो मसले हैं उनका समाधान करे। मैं भी हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा, मेरे समय में भी हिमाचल प्रदेश में 2 निर्दलीय विधायक थे, जोगेंद्र नगर से प्रकाश राणा जी और देहरा से होशियार सिंह, लेकिन कभी शिकायत नहीं आई। मिलते थे, काम करते थे, जो बताते थे, जो होने का होता था वो हम करते रहे। लेकिन बात सही मायने में कहां से बिगड़ी, जब राज्यसभा के वोट की बात आई, जो 6 विधायक कांग्रेस के, उनको तो उनकी तो सदस्यता 24 घंटे के अंदर समाप्त कर दी, उनकी विधायकी समाप्त कर दी, और बाकी जो 3 निर्दलीय विधायक थे जिसमें आशीष जी भी साथ में, उनके खिलाफ कार्यवाही करने में कठिनाई थी, इसलिए वो इस बात पर सोचते रहे। तो फिर क्या किया कि आजाद विधायकों, जो निर्दलीय विधायक थे, तीनों को कहते रहे कि सीधा चलो, नहीं तो सीधा कर देंगे।
ये चुने हुए विधायक हैं, ये बाध्य नहीं किए जा सकते किसी के समर्थन के लिए, इनको बाध्य नहीं किया जा सकता है किसी के विरोध के लिए। इन्होंने कहा हमने अंतरात्मा से अपने अंतरात्मा से अपना वोट डाला है, हमने इसलिए वोट डाला है कि राज्यसभा के लिए जिस आदमी को आप चुनाव के लिए खड़ा किए वो हिमाचल का रहने वाला नहीं, वो दिल्ली का रहने वाला है। हमने इसलिए उसका विरोध किया क्योंकि वो आदमी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ पैरवी करता रहा कि भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, ये शोध का विषय है। भगवान रामचंद्र जी के अस्तित्व को चुनौती दी, ये वही मनु सिंह भी हैं। और इसलिए उन्होंने कहा था वर्षों पुराना घर है और उस घर का जो रास्ता चलता था वहां पर दीवार खड़ी करती, इनसे होकर के घर का रास्ता नहीं जाता है, घर की सड़क नहीं जाती है।